ನಮ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ। साबिक वजीर बीजर जमीर अहमद खान कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला के दौरे पर हैं। सिरा, दावनगेरा, हरिहर के बाद बेलगाम जिले में जमीर अहमद खान का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। बड़ी काबिल शख्सियतें हैं, उनकी काबिलियत और उनके यकीनन दूरंदेशी और उनकी ताकत से हमको फायदा उठाने की जरूरत है। ऐसा हम इस सिलसिले में यकीन दिहानी कराते हैं कि आप कौम को मुत्तहिद करने में, लीडरशिप को मुत्तहिद करने में यकीनन और आपकी आवाज को बुलंद करने में जब जब आप आवाज देंगे इंशाल्लाह हमारी पूरी जमात आपके साथ। बेलगाम में मुनक्किदा प्रोग्राम में एमएलए सतीश जारकीहुड़ी, एमएलए मानतेश कोजलगी और बेलगाम माइनॉरिटी के कई अहम लीडरान शरीक रहे। इस इजलास में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बेलगाम के मजबूत लीडर कहे जाने वाले केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट सतीश जारकीहुड़ी ने कहा कि जमीर अहमद खान कांग्रेस के बाहुबली लीडर हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के मजबूत लीडरों में जमीर अहमद खान का शुमार है और मुस्लिम समाज के लिए जमीर अहमद खान का कंट्रीब्यूशन काफ़ी मायने रखता है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को भी चाहिए कि जमीर अहमद खान जैसे लीडरों को आगे बढ़ाए। इन्होंने कहा कि जमीर अहमद खान जैसा लीडर मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने जाती खर्च से लोगों की मदद करता है। कांग्रेस पक्षद उन्नत नायक प्रयत्न ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು। ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕನ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬರೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ದಿನಗಳು ಬಂದಿದೆ। ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 5-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಮೇಶ 5-10 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಜಾತೆ ಖಾಲಿ ಆತಿ ಜಾತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾತೆ ಗರೀಬ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೋ शिक्षण के लिए ऐसे बड़े दिलदार आदमी हमने शायद पहले कभी नहीं देखा है। मेरी आवाम से गाजी जान हमारे लीडर भी सतीश साहब भी बैठे हैं, मैं ओपन बनने से कभी डरता नहीं। आज मेरी पहचान के लिए है, आप सतीश साहब भी मेरी इज्जत करते हैं, सिद्धरामैया जी भी मेरी इज्जत करते हैं, राहुल गांधी भी मेरी इज्जत करते हैं, हमारा डीके शिवकुमार साहब अध्यक्ष भी मेरी इज्जत करते हैं। वजह क्या है? जमीर अहमद खान की, जमीर अहमद खान एक ट्रांसपोर्ट का धंधा कर रहा, पैसा वाला करके इज्जत नहीं करते। जमीर अहमद खान एक मुसलमान का लीडर, कौम उसके साथ है करके मेरी इज्जत करते। क्योंकि मेरी औकात ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है? सतीश साहब से तो बड़ा पैसे वाला नहीं मैं, उनके जैसा शुगर पैट भी है मेरे पास। मैं छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट रखता हूँ, अभी ट्रांसपोर्ट जैसा कि हमारे नजीर साहब बता रहे थे, आपकी बसों में मैं उदबत्ती का धंधा करता था, ट्रांसपोर्टेशन आपकी धंधे में करता। सतीश साहब से देता पैसे वाला नहीं, मगर हूँ बगैर पैसे के दिलदार हो। मगर आप मेरी भी पहचान, मुझे क्या यार पॉलिटिकल पार्टी मेरी इज्जत क्यों कर रहे? मेरे लिए नहीं, हम मेरे पीछे। हाल ही में देखो, मैं जहां जहां भी जब मैं टूर करता हूँ, खासकर नौजवान लाइन के अंदर बोला ना, मेरे बारे में एक जोश है। कल सिद्धरामैया साहब हम हर सिरा गए थे, सिरा से दावणगेरे है, दावणगेरे से हरियाणा है, वो जो मजमा देख के
जो मेरे जो चाहने वाले जो नौजवान देख के कल चौधरी के अंदर हमारा रामप्पा करके एमएलए का जन्मदिन था, एक बहुत बड़ी पैमाने के अंदर एक फंक्शन किया था, बर्थडे फंक्शन किया था। वो फंक्शन के अंदर पब्लिक के अंदर कम से कम 10-15 हजार पब्लिक थी, 10-15 हजार पब्लिक के अंदर 10 हजार आदमी मेरे नारे सिद्धरामय्य साहब मेरे को पूछते समाज के वजह क्या है। आप भी मेरे ख्याल से अब इतनी बड़ी तादाद में आना मामूली बात नहीं है, एक छोटे से दावतनामा पे अब इतनी बड़ी तादाद में आना मामूली बात नहीं है। वजह मेरे को लगता है काम की जगह कर्नाटक के हिंदुस्तान के कर्नाटक में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को जो चाहत नहीं मिली जो तुम्हें जमीर अहमद खान को जो चाहत दे कोई।